हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। देखिए, आज मैं EMRS भर्ती जो आपकी आने वाली है 2024, उसके विषय में आपसे बात करूँगा। देखिए, अभी आपको कुछ महीने पहले आप लोगों ने नेट पे एक वीडियो आपने लोगों ने देखा होगा, ठीक है। हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, जनजातीय मंत्री हैं, उन्होंने पूरी तरीके से घोषणा किया था कि EMRS की फिर से वैकेंसी आएगी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की। इसमें अब की बार 30,000 प्लस वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। कितने? 30,000 प्लस वैकेंसी। इसमें आपके टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी के रहेंगे। और अब की बार और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ इसमें और ऐड होंगी, जैसे जो पिछली बार नहीं आई थी। पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी वो जून के लगभग 15 या 16 जून को लगभग आपकी ये वैकेंसी आ गई थी पूरी तरीके से 2023 की। और आप सबको मालूम है EMRS की पहली बार ये वैकेंसी आई थी। EMRS जो स्कूल हैं ये भारत के सभी राज्यों में कहीं ना कहीं खोले जा रहे हैं, और ये जनजातीय क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं, पिछड़े क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। जैसे आपका सेंट्रल स्कूल आपका है, सेंट्रल आपका स्कूल जो आपका चलता है केंद्रीय विद्यालय, उसी बेस पे आपका ये EMRS भी है। केंद्र सरकार का ये पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अंडर में ये पूरी तरीके से ये स्कूल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो स्कूल कॉलेज है ये केंद्र सरकार ही से ऑपरेट करेगी। तो इसकी वैकेंसी पहली बार पूरे ऑल इंडिया में 2023 में आई थी, जून में आया था। इसका पूरी तरीके से काफ़ी डिले हुआ था एग्ज़ाम को लेकर, और 22 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हो गया था पिछले साल। अभी उसकी ज्वाइनिंग वगैरह चल भी रहा है, कुछ अभी इधर उधर है, उसकी बात हम नहीं करेंगे इस वीडियो में। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो 2023 के एग्ज़ाम में बैठे थे, एक दो मार्क्स से रह चुके हैं, एक दो मार्क्स से, या बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉर्म नहीं फिलअप किए हुए थे 2023 में, अब की बार पूरी तरीके से मन बनाकर बैठे हैं कि अब की बार सिलेक्शन लेना है, या ऐसे स्टूडेंट जो पिछली बार फॉर्म तो फिल किए थे, एग्ज़ाम भी अच्छे से दिए थे, लेकिन किसी एक सेक्शन में उनका वीक हो गया, मार्क्स कम रह गए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो भी सभी स्टूडेंट एक बार फिर से अपनी तैयारी और इस फॉर्म को भरने के लिए काफ़ी इच्छुक होंगे, ठीक है। और होना भी चाहिए, क्योंकि अब की बार जो वैकेंसी आ रही है आपकी 30,000 प्लस पद, आपके 30,000 वैकेंसी आपकी आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी आपके रहेंगे। टीचिंग की मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल वंसिपल ये जितना भी है ये रहेगा, ठीक है। मैं बात करूँगा कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, अपने लेवल की बात करूँ, ठीक है। जितने भी हमारे कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चाहे उन्होंने BCom किया हुआ है, MCom किया हुआ है, MBA किया हुआ है कॉमर्स साइड से, ठीक है, या CA वाले भी जितने भी हैं, वैसे BCom MCom काफ़ी है, जितने भी स्टूडेंट किए हुए हैं, आप सबकी नॉन टीचिंग की जो पोस्ट आई थी अकाउंटेंट की, पिछली बार 361 पोस्ट के लिए आपका आया था, अब की बार उससे ज़्यादा ही रहेगा, 361 से अब की बार ज़्यादा ही रहने वाला है, ठीक है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसकी, और 30,000 में अब की बार आपका अच्छी खासी सीट रहेगी। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म तो अप्लाई किए हुए थे 361 पोस्ट के लिए, ऑल इंडिया के, इंडिया के सभी स्टूडेंट अप्लाई किए हुए थे बहुत सारे स्टूडेंट, और उनके उनके राज्य में बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, ठीक है। अब मैं उन्हीं स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा कि आपकी ये वैकेंसी कब आएगी, कब तक आपकी ये वैकेंसी आएगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा, अभी से तैयारी हम कैसे करें, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, क्योंकि अभी से आपको लगना पड़ेगा, तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। सारी मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे इन पॉइंट्स में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो ये 30,000 पोस्ट जो आपकी आने वाली है, ये वैकेंसी कब आएगी, तो ये वैकेंसी आपकी पिछली बार जून के 15 जून को लगभग आई थी। अब की बार जो सुनाई पड़ रहा है कि ये वैकेंसी आपका लग रहा है कि मई के एंड तक ही आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि जनवरी फरवरी में आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी तरीके से घोषणा हो गया 30,000 पद आने वाला है, लेकिन अभी जैसा कि आचार संहिता लगा हुआ है, ठीक है, आचार संहिता आपका लगा हुआ है, इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी देखिए आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आपके इंडिया में हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम रुका नहीं है, DV चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी निकल रही हैं। ये नहीं है कि इलेक्शन आ गया तो वैकेंसी नहीं निकलेंगी, वैकेंसी आएंगे, आप लोग आप खुद ही देखते होंगे, वेबसाइट पे आप जाइए, वैकेंसियाँ आ रही हैं, वैकेंसियाँ आ रही हैं, सभी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं अलग अलग मतलब पोस्टों के लिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी भी आपकी आएगी, इसका चुनाव आचार संहिता से लेना देना नहीं है, इलेक्शन से लेना देना नहीं है। तो ये मे भी आपको मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में फिर से आपको देखने को मिलेंगी ये वैकेंसीज, क्लियर। और
एग्ज़ाम कब तक होगा, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पिछली बार तो डिले हुआ था एग्ज़ाम को लेकर, 22 दिसंबर में कहीं जाके एग्ज़ाम हुआ था, जून में निकला था, और ना ही ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 5 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ था, ये सीधा सीधा आपका जाके एग्ज़ाम जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, मतलब 6वें महीने कहीं जाकर आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं आप सबको बता दूँ, पिछली बार वाला टेंडर पास नहीं हुआ था, कौन सी एजेंसी इसका एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है। और अब की बार क्या है, वही एजेंसी, पुरानी एजेंसी ही, जो जिसने एग्ज़ाम कराया था वही एजेंसी ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, क्योंकि एक बार किसी एजेंसी को अगर दे दिया जाता है और वही एजेंसी अगर अच्छे से एग्ज़ाम करा लेती है, कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होता है, तो वही एजेंसी उस वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है। तो अब की बार जो होगा, अगर ये मई जून में अगर वैकेंसी आती है तो अगस्त या सितंबर के लास्ट तक पूरी तरीके से आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जैसे आप लोग बैंक वैंक का देखते होंगे, फिक्स डेट दे देता है कि इतने इतने में फॉर्म भराया जाएगा, इतने को आपका फ्री रहेगा, इतने को मेंस रहेगा, और वो लोग फॉलो भी करते हैं। तो ऐसे आपकी बार भी होगा, डिले नहीं होगा आपका, आपकी बार तुरंत आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा क्योंकि एजेंसी क्लियर है। थर्ड बात करें यहाँ पे, सेकंड बात करें कि क्या सिलेबस रहने वाला है, तो अकाउंटेंट वालों के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए सिलेबस कुछ भी अपडेट हो सकता है, मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि पिछली बार जो सिलेबस था वो आपका अकाउंटेंट का तो पोस्ट था, लेकिन उसका जो सिलेबस था वो टीचिंग वालों के लेवल के बराबर दिया था, ठीक है। काफ़ी लेंथी सिलेबस था और सिर्फ सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट दे दिया था, चैप्टर वैप्टर कहीं मेंशन नहीं किया था। जैसे अगर आप अदर एग्ज़ामों का देख लीजिए, जैसे UP SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट, पूरा कॉमर्स का सिलेबस दिया है विद चैप्टर वाइज दिया है। बिहार बिजली विभाग, पूरा वैकेंसी का कॉमर्स में क्या क्या आने वाला है, पूरा चैप्टर दिया है, सब्जेक्ट दिया है, चैप्टर भी दिया है साथ में, क्लियर। एंड इन सबके साथ साथ अगर आप UP PCL का जितना भी वैकेंसीज आता है अकाउंटेंट का, कॉमर्स का, पूरा सिलेबस चैप्टर पूरा दिया रहता है, ठीक है। अभी BP PCL का भी आया है पूरी तरीके से, बिहार का, उसका भी पूरी तरीके से, बिहार बिजली विभाग का, उसका भी पूरा दिया हुआ है, तो ये दिया रहता है। लेकिन आप लोगों का 2023 में ये हमारे सवालों का सिलेबस कहीं मेंशन नहीं था, मतलब बस सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट लिख दिया गया था, चैप्टर मेंशन नहीं था, सॉरी चैप्टर कहीं मेंशन नहीं था कॉमर्स का, सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख दिया गया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख दिया गया था आपका, ऑडिटिंग लिख दिया, मैनेजमेंट उन्होंने लिख दिया, इनकम टैक्सेशन उन्होंने बस लिख दिया, टैक्सेशन में ये भी नहीं बताया गया कि GST आएगा कि इनकम टैक्स आएगा, कुछ नहीं बताया गया, जेम लिख दिया गया, कोई चैप्टर नहीं मेंशन किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट इसी डाउट में थे कि सर एक एक सब्जेक्ट से कितना चैप्टर हम पढ़ें कि हमारा लगभग क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहली बार आई थी, पहली बार आने पे ये जो सिलेबस आपको देखने को मिला था, ठीक है, पहली बार आई थी तो आपका सिलेबस ये था, कहीं चैप्टर मेंशन नहीं था, बस सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख दिया गया। अब की बार क्या हो सकता है, अब की बार मे बी मैं कह रहा हूँ, मे बी इसका सिलेबस शायद इसका अपडेट किया जाए, चैप्टर वेटर अब की बार बताया जाएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं ये जरूर अब की बार लग सकता है कि क्लियर हो सकता है कि ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। टैक्सेशन में आपको 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, ऑडिटिंग में 3 चैप्टर, ये लिखकर अब की बार शायद दे सकता है। तो ये जैसे ही वैकेंसी आएगी ये अपडेट होकर अब की बार शायद आ सकती है, क्लियर। कोई ज़रूरी नहीं है इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आपको पढ़ने की, मे भी शायद ये अपडेट हो जाए। और तैयारी अभी से कैसे करें, तो अभी से कैसे तैयारी करेंगे, सिलेबस आपको मालूम नहीं है, शायद सिलेबस अपडेट होकर आए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, रेक्टिफिकेशन एरर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो मेन जो आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। टैक्सेशन में 3 से 4 चैप्टर, ऑडिटिंग में स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर, फाइनल मैनेजमेंट में 3 से 4 चैप्टर थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये जरूर कंपलसरी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो आप पढ़ ही सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं सभी वैकेंसी में उसको तो आप पढ़ सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, देखिए मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चलता है आप कितने पानी में हैं, कितना आ रहा है आपको कॉमर्स। अभी से मॉक टेस्ट लगाएंगे, एग्ज़ाम जब वैकेंसी आएगी, जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप अच्छे खासे मैं कह सकता हूँ कि आप ब्रिलियंट हो सकते हैं कॉमर्स में। तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने प्रीवियस मॉक टेस्ट मैंने अपडेट किया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट पिछली बार हमारी क्लासेस और मॉक टेस्ट लगाए थे काफ़ी स्टूडेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस उनका काफ़ी अच्छा गया था, बहुत अच्छा, 25 प्लस बच्चे हमारी बैच से ही सिलेक्टेड थे, बाकी बहुत सारे और भी सिलेक्टेड होते लेकिन कुछ स्टूडेंट अपने ईगो में थे। ईगो मैं यहाँ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी डेली क्लास करता था मैं यही कहता था कि आप जो मैथ और रीजनिंग का जो आपका सेट्स है,
मैथ और रीजनिंग का 30 और 20 का जो रेशियो था मैथ रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन जो आपका मैथ रीजनिंग का आने वाला है उसमें आप कोशिश कीजिए कि 40+ मार्क्स उसमें ले आइए, क्योंकि मैथ रीजनिंग आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, वो नंबर हमें हाथ से जाने नहीं देना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अपने ईगो में थे, सर कॉमर्स ही हमें पढ़ना है और सब तो हमें आता है, हम डेली बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, हम एसएससी के स्टूडेंट हैं, बैंक के स्टूडेंट हैं, हमारा ये सब हो जाएगा, बस आप कॉमर्स हमें अच्छे से करा दीजिए। मैंने कॉमर्स अच्छे से कराया, क्लास प्रोवाइड किया आपको, मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किया, अच्छा निकला कॉमर्स। लेकिन जो स्टूडेंट ईगो में थे, जो मैथ रीजनिंग सोचे थे कर ले जाएंगे, वो मैथ रीजनिंग में ही फंस गए। बहुत सारे स्टूडेंट 50 में किसी का कोई 20 क्वेश्चन करके आया, 50 में सोच लीजिए, 50 में 20, कोई 50 में 7 क्वेश्चन, कोई 50 में 25 क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, कोई मैथ में सिर्फ 5 क्वेश्चन करके अटैम्प्ट कर पाया, कोई रीजनिंग में 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, मतलब मैथ रीजनिंग आपके हाथ से फिसल गया तो आपके हाथ से सिलेक्शन भी चला गया। क्योंकि कॉमर्स सेक्शन उतना डिफिकल्ट नहीं था, आप सभी लोगों को मालूम है, जो इससे पहले एग्ज़ाम 2023 में जो हुआ है, कॉमर्स उतना डिफिकल्ट नहीं था, और जितने भी लोगों ने मॉक टेस्ट हमारी लगाया था, मॉक टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसे थे, क्लास मैंने जितना कराया था बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से ही आए थे। तो अगर आप अभी से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, ऐप पे जाइए, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे जाइए, वहाँ जाकर आप मॉक टेस्ट अभी से 99 का ही टेस्ट सीरीज है, ज़्यादा नहीं है, आप उसे बाय कर लीजिए। 40 मॉक टेस्ट आपको मिला है, 40 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, ऐसे 40 मॉक टेस्ट है, उसे डेली बेसिस पे आप लगाइए, कोशिश कीजिए 3 से 4 बार आप लगा लीजिए, सारे डाउट आपके कॉमर्स को क्लियर हो जाएंगे। और ई बुक भी आपको साथ में मिल रहा है, ई बुक में आपके 5000+ क्वेश्चन है, 5100+ क्वेश्चन है, उस ई बुक को 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, जब तक वैकेंसी आपकी आएगी, जब तक एग्ज़ाम होगा, अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी, क्लियर। तो टेस्ट सीरीज़ आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आज की क्लास में मुझे इतना ही बात करना था आप सभी से, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डेली बेसिस पे कॉल करके चैट करके पूछते हैं कि सर इसकी वैकेंसी कब आएगी, कैसे तैयारी करें, आप बैच कब चला रहे हैं, तो ये लगभग मैंने आज की क्लास में क्लियर कर दिया। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, ये हमारे अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही इसका वैकेंसी आती है, कोर्स वगैरह तो स्टार्ट होगा, आप लोग कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। बाकी अभी से तैयारी के लिए जैसा मैंने कहा है, आप उसको फॉलो कीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन पक्का करना है, ओके। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।